हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। वो देखिए, बहुत ही जल्द आपको पीआरटी यानी कि जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती का जो एग्ज़ाम हुआ था 1 to 5 के लिए, तो उसका रिजल्ट बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। अभी अभी ये देखिए, अतुल प्रसाद जी का ट्वीट आया है जिसमें ये लिखा हुआ है, बिलीव इट और नॉट, डिक्लेरेशन ऑफ टीआरई रिजल्ट इन्वॉल्व्स प्रिपरेशन ऑफ 43 × 38 इक्वल टू 1634। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि अभी देखिए, देखा जाए तो टोटल जिला कितना है, जिला है 38 बिहार में, और 43 क्या हो गया, लैंग्वेज। तो इस तरह से आपको 1634 सीट पे यानी कि 1634 मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, ठीक है। और आपको पता होगा कि डीएलएड वाले का भी रिजल्ट आने वाला है, आपको बीएड का रिजल्ट नहीं आएगा, तो आप डीएलएड वाले निश्चिंत हो जाएं कि बिल्कुल आपका रिजल्ट आएगा। उसके बाद जो भी हो, सुप्रीम कोर्ट फाइनली यही बताएगी कि डीएलएड वाले को भी लेना है, बीएड वाले बाहर हो जाएंगे। तो जितना जल्दी रिजल्ट आए उतना अच्छा है, क्योंकि इसको क्लियर करने के बाद ही जो है सेकेंड फेज़ में जल्द से जल्द हम लोग इंटर करेंगे, ताकि जो सेकेंड फेज़ का एग्ज़ाम होने वाला है आपको 6 to 8 का, 9, 10 और 11, 12 का, उसका जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आए, वैकेंसी हो। क्योंकि बीएड वाले देखिए 1 to 5 में तो अब आएगा नहीं, तो क्या फ़ायदा टाइम वेस्ट करके। इससे अच्छा है कि उनके लिए, बीएड वालों के लिए जो भी होगा 6 to 8 और 9, 10, 11, 12 का वैकेंसी देकर जल्द से जल्द एग्ज़ाम दिसंबर में कंडक्ट करा के जनवरी फरवरी तक ज्वाइनिंग दे दिया जाए, यही एक सॉल्यूशन है, अच्छा होगा। बाकी इसको लटकाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, नुकसान दोनों को होगा, बीएड वाले भी, डीएलएड वाले भी, अगर ये प्रक्रिया ये अगर ये वैकेंसी अगर अटक जाए तो, क्योंकि इलेक्शन के बाद आपको ये पता है क्या होने वाला है, इसलिए जितना जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए उतना अच्छा है। तो चलिए, गुड न्यूज़ है, रिजल्ट बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा, और कोई अपडेट होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा।